दोस्तों सभी का चैनल पे स्वागत है और आज का वीडियो हमारे एस्ट्रोफोटोग्राफी लवर्स के लिए होने वाला है, जिनको डीप स्काई एस्ट्रोफोटोग्राफी करनी है, लो बजट में करनी है और लो एफर्ट में करनी है, उनके लिए होने वाला है। आज हमने लाया है ZW की तरफ से आने वाला C Star S50 स्मार्ट टेलीस्कोप। स्मार्ट टेलीस्कोप क्योंकि ये जो टेलीस्कोप है इसमें से आप इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, वो भी आपके स्मार्टफोन पे लाइव फीड दिखाएगा। उसके बाद ये स्टैकिंग भी करेगा, उनका पोस्ट प्रोसेसिंग भी करेगा, खुद ही करेगा और आपको लाइव फीड में या फिर लाइव इमेजेस आपको दिखा देगा। उसके अलावा इसमें जो डेटा होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसका स्टोरेज भी होता है। तो अगर आपको उसका पोस्ट प्रोसेसिंग करना है, जो डेटा का इसने जो पोस्ट प्रोसेसिंग किया होता है उससे आप खुश नहीं हो, तो आप लैपटॉप में उसको डेटा को कॉपी करके आप अलग से पोस्ट प्रोसेसिंग भी कर सकते हो। तो काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट है और इसको जो है जो पावर कंज्यूम करता है काफ़ी लो पावर कंज्यूम करता है। इस पर इसको आप चाहिए तो आपके पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो अगर आप बाहर जाते हो, आउटडोर में जाते हो। अलावा ये ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग भी करता है, काफ़ी स्मूथली ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग करता है। तो ये है ZW की तरफ से आने वाला C Star S50 दिस इज स्मार्ट टेलीस्कोप। तो इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखते हैं। ये जो टेलीस्कोप है, ये स्मार्ट टेलीस्कोप का अनबॉक्सिंग हमने कल ही कर लिया था। तो अपना भी बॉक्स में से ये बहुत अच्छा पैकेजिंग निकला है, कैरिंग केस है ये इसका और बहुत सही कैरिंग केस है। कैरिंग केस को ओपन करते हैं, यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम दिया है, यहाँ पे C-Star का ब्रांडिंग है ऊपर। अभी ये अपना बॉक्स ओपन हो गया है टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप स्मार्ट टेलीस्कोप है। पहले तो कार्बन फाइबर का ये ट्राइपॉड आया आपने वो, सो सर दिखा दो कार्बन फाइबर। तो ये कार्बन फाइबर का ट्राइपॉड है, अराउंड ज़्यादा हाइट नहीं है, टेबल टॉप माउंट जैसे ही है बट काफ़ी स्टर्डी है। लाइक 1.5 फीट के आसपास का हाइट आपको मिलने वाला है। आप जहाँ पे भी टेलीस्कोप माउंट करो, क्या चीज़ आता है वो भी देखते हैं बॉक्स में। ये कुछ केबल्स हैं, इसके अलावा इसके साथ सोलार फिल्टर दिया है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, जो टेलीस्कोप को अटैच होने वाली है सोलार फिल्टर। कुछ लेवलेटर कंपनी की तरफ से आए हैं, C Star S50 एंड दिस इज द टेलीस्कोप। जो सर आप निकालिए, यस काफ़ी हैंडी चीज़ है, पूरे बॉक्स में बैठ जाता है पूरा सेटअप। यू कैन सी कि हार्डली 1 फीट का इसका जो यू कैन सी कि लेंथ रहेगा, हाइट रहेगा इसका, और काफ़ी छोटा है। यू कैन सी द मेरे पाम देख सकते हो कितना छोटा है, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट चीज़ है। थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये जो टेलीस्कोप है इसका जो प्राइमरी जो डायमीटर है अराउंड 50 mm का है और ये ट्रिपलेट में एपोक्रोमेटिक लेंसेस इसमें मेंशन है, तो काफ़ी शार्प इमेज हमको मिल रहा था हम जब कनेक्ट कर रहे थे। इसके अलावा इसका जो फोकल लेंथ है टेलीस्कोप का, दैट इज 250 mm। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन किया है कि वाईफाई ब्लूटूथ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ग्लोबल एस्ट्रो कम्युनिटी, दैट इज़ ठीक है। इंटेलिजेंट इमेज प्रोसेसिंग है, लाइट वेट डिज़ाइन, आई नो लाइट वेट है क्योंकि हार्डली 3 to 4 kg का इसका टोटल वेट आपको हो जाता है इंक्लूडिंग ट्राइपॉड। अलावा अगर हम लोग इस टेलीस्कोप की बात करते हैं, ये मेरे पावर बैंक से अभी भी चार्ज कर रहा हूँ। सो अगर फिजिकली देखें इस टेलीस्कोप को तो आप देख सकते हो कितना कॉम्पैक्ट साइज में है, और फिजिकली यहाँ पे जो है चार्जिंग पोर्ट आता है टाइप सी है, तो काफ़ी यूनिवर्सल पोर्ट हो गया है टाइप सी। यहाँ पे मेन पावर ऑन बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी इसको हमने पावर ऑन कर दिया है, यहाँ पे कुछ लाइट्स दिख रही है, ये बैटरी इंडिकेटर है कितना बैटरी इसमें बचा हुआ है,
और एक बटन आता है रीसेट का, तो इसके नीचे एक छोटा बटन है यहाँ पे नीचे, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट बटन है। ये जो टेलीस्कोप है ब्लूटूथ और वाईफाई इनेबल्ड है, तो इसको हम हमारे मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, और मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए इसके साथ जो ऐप आता है वो है एंड्रॉयड और आईओएस दोनों को सपोर्ट करने वाला सी स्टार का ऑफिशियल ऐप है, जिसका इंटरफेस आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इसको कनेक्ट करना काफ़ी ईजी है, इसका नाम बता देता है जब आप वाईफाई इनेबल कर देते हो, और यहाँ पे भी एक बटन है रीसेट बटन, आपको दबाना होता है जब आप कनेक्शन फर्स्ट टाइम कनेक्शन करना होता है, तो काफ़ी कनेक्शन करना भी इजी है और ऑपरेट करना भी इजी है। इंटरफेस पे मैंने काफ़ी सारा कल थोड़ा सा टाइम स्पेंड आपको करना पड़ेगा, डेफिनेटली उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा एक दो दिन, उसके बाद आप एकदम प्रो हो जाओगे इसको यूज़ करने में। तो कल रात हमने यूज़ किया, हमने मून का फोटोग्राफी किया, मून का वीडियो कैप्चर किया, काफ़ी शार्प इमेज हमको मिला है, वीडियो जो हम वीडियो कैप्चर किए काफ़ी शार्प वीडियो हमको मिला है। उसके अलावा हमने डीप स्काई एस्ट्रो फोटोग्राफी भी की, काफ़ी मून का जो है 90% मून इल्यूमिनेट था, तो उसमें भी हमने कुछ डीप स्काई एस्ट्रो फोटोग्राफी की, तो M42 वगैरह जो है हमने इजीली कैप्चर कर पाए, ज़्यादा नहीं एक एक मिनट का एक्सपोजर लिया। ये जो टेलीस्कोप है इसको हमने कल रात को टेस्ट किया, तो काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट आया इसमें से। जो ट्रिपलेट जो है इसका काफ़ी शार्प इमेज हमको प्रोवाइड कर रहा था, ऐप सपोर्ट है तो हम मोबाइल से ही पूरा ऑपरेट कर रहे थे। ओनली थिंग इज कि जब भी आप इसको सेटअप करोगे तो इसका जो लेग अलाइनमेंट है ट्राईपॉड का या फिर लेवलिंग जो है आपको एवरी टाइम प्रॉपरली करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका ट्रैकिंग थोड़ा सा आपको स्मूथ नहीं मिलेगा, उतना स्मूथ जो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐप में आपको दो बबल दिखाई देते हैं जब आप अलाइन करते हो इसका जो लेवलिंग करते हो, तो वो दो बबल को 1 के नीचे लेके आना होता है आपको, 0.8 0.5 होगा तो 0.2 होगा तो वन ऑफ द बेस्ट आपको रिजल्ट मिलने वाला है ट्रैकिंग में, तो थोड़ा सा वही पार्ट है। अदरवाइज आपको प्लेट सॉल्विंग नहीं करनी है इसमें, पोलर अलाइनमेंट नहीं करना है, या फिर आपको टेस्ट शॉट्स लेके इसका शार्पनेस नहीं करना, ऑटो फोकस भी आपको रेडीमेड करके देगा। उसके अलावा अगर आपको मैन्युअली हैंडल करना है तो ऐप सपोर्ट में आपको वही जो है एक ऑप्शन मिलता है, तो आप ऑटोमेटिकली आप मूव कर सकते हो इसको, तो वो भी अवेलेबल है आपके लिए, ट्रैकिंग भी करके देगा, स्मूथ ट्रैकिंग करके देगा, तो दिस इज़ अमेजिंग मुझे लगा कि डीप स्काई एस्ट्रो फोटोग्राफी करने के लिए। प्लानिटरी मैं बोलूँगा कि इसके साथ नहीं हो सकता क्योंकि इसका फोकल लेंथ उतना ज़्यादा नहीं है। इसके साथ आने वाले जो सॉफ्टवेयर है या फिर ऐप हम बोलेंगे सी स्टार, वो कंप्लीट बंडल है एस्ट्रो फोटोग्राफी वाले जो ऑब्जेक्ट्स है, डीप स्काई वाले ऑब्जेक्ट वो सभी भरे हुए हैं, उसमें आप सभी कैप्चर कर सकते हो। उसके अलावा कुछ जो लिमिटेड कॉमेट्स भी आते हैं उनका भी लिस्टिंग उसमें होता है, तो आप कॉमेट्स भी इससे शूट कर सकते हो। मैंने कल रात को जब मैं ऐप यूज़ कर रहा था तो उसमें जो कुछ भी कॉमेट्स अवेलेबल है नाइट स्काई में, वो भी बेस्ट जो बेस्ट व्यू या बेस्ट ऑब्जेक्ट फॉर द नाइट स्काई, ऐसे उनका एक अलग कैसे की कैटेगरी है, तो उसमें जाके मैंने सर्च कर रहा था तो कॉमेट भी दिख रहा था, और बहुत सारे जिनकी फ़ोटोग्राफ्स मैंने इसके पहले देखे थे तो वो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, वो भी हम लोग इससे कैप्चर कर सकते हैं। मैंने M42 है या बाकी कुछ क्लस्टर्स है, प्लेट क्लस्टर, तो उनके एक एक मिनट के एक्सपोजर मैंने इससे कैप्चर किए, और मैं थोड़ा सा अमेज हो गया क्योंकि मूनलाइट इतनी भी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी, फिर भी उसमें से ये जो टेलीस्कोप है वो कैप्चर कर रहा था। हाँ, ये जो है AI वाला फीचर यूज़ करके हमको पागल नहीं बनाता, जैसे मोबाइल फ़ोन है वो AI फीचर का यूज़ करके मून वाला फ़ोटो हमको बना के देते, ये ऐसे नहीं, ये आपको एक्चुअल डेटा कैप्चर करेगा, उसको स्टोर भी करेगा और उसका पोस्ट प्रोसेसिंग भी करेगा, कोई AI वाला कोई नाटक नहीं है इसमें, तो एक्चुअल फोटोग्राफी होने वाली है। ओवरऑल सभी के लिए रिकमेंडेड है, जो भी बंदा एस्ट्रोनॉमी में एंटर कर रहा है उनके लिए भी रिकमेंडेड है, क्योंकि इसका जो ऐप है उसमें आपको ऑलमोस्ट सब मिल जाता है और आप इजीली वो कैप्चर कर सकते हो, तो पूरा जो है आपको रेडी करके दे देगा, पूरा आपका जो डेटा है, आपका इमेजिंग है, पोस्ट प्रोसेसिंग करके ये आपके हाथ में फाइनल इमेज दे देगा। उसके अलावा सपोज करो आप एस्ट्रो फोटोग्राफी में ऑलरेडी प्रो हो, आपके पास बहुत बड़ा गियर है, 8-9 लाख का गियर है आपका, या फिर 4-5 लाख का अच्छा खासा गियर है,
तो समटाइम्स क्या हो सकता है कि उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, मतलब ऐसे नहीं बोलता कि आती ही है, आ सकती है। तो एज अ बैकअप करके भी आप ये टेलीस्कोप को रख सकते हो, पैरेलली दोनों भी डेटा आप कैप्चर कर सकते हो, और अगर आप चाहिए तो दोनों का डेटा भी मिक्स मैच करके थोड़ा अच्छा इमेजिंग आप पोस्ट प्रोसेसिंग में ला सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर बोथ जो प्रो है और जो शुरुआत कर रहे हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी या फिर एस्ट्रोनॉमी, तो दोनों के लिए ये रेकमेंडेड है। काफ़ी बजट प्रोडक्ट हैं क्योंकि इतने कम कॉस्ट में ZW ने ऐसा प्रोडक्ट लाया है जो आपके लिए शूट भी करेगा, पोस्ट प्रोसेसिंग भी करेगा, डेटा भी सेव करेगा, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। तो दिस इज़ गुड फॉर एवरी। जो टेलीस्कोप है इसका जो रिव्यू करने के लिए मुझे हेल्प की है मॉडर्न टेलीस्कोप ने, उन्होंने ये टेलीस्कोप मुझे रिव्यू करने के लिए, टेस्ट करने के लिए दिया है। तो मैं मॉडर्न टेलीस्कोप का काफ़ी काफ़ी आभारी हूँ, बहुत ही आभारी हूँ। उसके अलावा जो आशुतोष शुक्ला सर है उनका भी काफ़ी आभारी हूँ क्योंकि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, नई चीज़ आती है या कोई यूनिक चीज़ आता है तो मुझे बुला लेते हैं, और आपके लिए और स्पेसिफिकली ये वीडियो आपके लिए बन रहा है। तो आप भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, क्योंकि ऐसे यूनिक प्रोडक्ट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ और लाते रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो या फिर इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हो। डेफिनेटली मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, किसी को रिप्लाई नहीं करता, ऐसे नहीं, सबको रिप्लाई करता हूँ। इस टेलीस्कोप को आपको परचेज़ करना है तो आप मॉडर्न टेलीस्कोप से आप परचेज़ कर सकते हो। मॉडर्न टेलीस्कोप का जो कूपन कोड है मुझे इंस्टा पे आप पूछ लो तो मैं इंस्टा पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।